तो यार ऐसा है कि 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी को और 3,000 किलोमीटर गाड़ी हम चला भी लिए हैं। इन 3,000 किलोमीटर की जर्नी आसान नहीं रही। 3,000 किलोमीटर चलाने में क्या क्या दिक्कतें आई है iQube में, चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस क्या है गाड़ी का, कम्प्लीटली आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा मैं। तो इस गाड़ी को हम खरीदे रहे नवंबर लास्ट साइड, है ना, जैसा कि आपने देखा होगा। और गाड़ी जब चलती है यार तो बहुत मक्खन टाइप है, मक्खन माफिक चलती, स्मूथ गाड़ी चलती है, सब कुछ अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इंगेजमेंट जो है ना ऑडियंस के बीच में, यार यूट्यूब वाली लैंग्वेज आती है, पब्लिक का जो रिएक्शन है, पब्लिक रिएक्शन भी अच्छा है। लोग पूछते हैं यार भैया कौन सी गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक है कि पेट्रोल है, मतलब देखने में लगता नहीं है कहीं से कि इलेक्ट्रिक है गाड़ी करके। तो गाड़ी चलने में तो बहुत शानदार है, आप डबल अच्छा हैवी पीछे किसी को बैठा भी लोगे तो भी गाड़ी अच्छे से चलेगी, ऐसा कोई है दिक्कत नहीं होती। सामने भी मैं बहुत सारा सामान रख लेता हूँ तो भी चल जाता है। लेकिन मेरे को जहाँ पे एक चीज़ की कमी लगी वो ब्रेकिंग। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार ब्रेकिंग तो तगड़ी, ब्रेकिंग यार तगड़ी तो है इसकी, लेकिन ना एक क्या होता है जो कि हम पेट्रोल गाड़ियाँ जो अच्छी हैवी गाड़ी रहती है उसमें जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो हैंडल मूवमेंट ही नहीं होता। इसमें क्या होता है, जब मैं ऐसा आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये मैं आया, अब यहाँ पे जब आके मैं ब्रेक लगाता हूँ ना और जैसे हम हाथ को टाइट करते हैं तो हल्का सा मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी ऐसी ऐसी हो रही। ये मेजर प्रॉब्लम बोला जा सकता है और ये होता तब है जब दो कंडीशन होती है, या तो आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो, जब आपकी गाड़ी 95, 100, 90, 85 इतना जब चार्ज रहती है तो गाड़ी में पावर थोड़ा सा ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर फिर गाड़ी ऐसी हिल जाती है ब्रेकिंग मारने में, ठीक है, या तो फिर गाड़ी आपकी अच्छी स्पीड में हो फिर जब आप ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा कमी फील हुई। और सेकेंड प्रॉब्लम जो रहा, प्रॉब्लम ही बोल सकते हैं इसको, एक दिक्कत मेरे को सामने ये करना पड़ा कि अगर अपनी गाड़ी 100% चार्ज है तब तो ये पावर मोड में बिल्कुल 88, 90 तक टच हो जाती है ना, जैसे जैसे बैटरी लेवल डाउन होते जाता है। तो देखो पेट्रोल गाड़ी में तो ऐसा रहता नहीं कि हमारी फुल टैंक रहेगी तो 120 में भगेगी और हाफ टैंक रहेगी तो 100 में जाएगी, और कम पेट्रोल लास्ट कंडीशन जब आती है जब हमारा पेट्रोल इतना सा बचता तब गाड़ी झटके लेती है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे जैसे बैटरी लेवल आपका डाउन होते जाएगा वैसे वैसे गाड़ी की जो स्पीड रहेगी ना वो भी डाउन हो जाएगी। अभी जैसे इकोनॉमी मोड में 50, 51, 50, 51 चलती है, लेकिन जब बैटरी पूरी डाउन होने लगेगी आपकी गाड़ी की तो आपकी गाड़ी देखोगे आपकी 45, 46 मतलब ये, और पावर मोड की बात करें तो कहाँ 85, 90 तक जा रही गाड़ी, अब वो गाड़ी ले दे के 70 तक भी नहीं जा पा रही है अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई है तो। और देखो नाइट ड्राइविंग की अगर बात करें ना तो नाइट में भी आपको लाइट कम नहीं पड़ेगी यार, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना, रात का लफड़ा ही नहीं है कि अपन को ऐसा लगे कि यार लाइट कम आ रही है, लाइट पर्याप्त है, आप अच्छी खासी कितना भी अंधेरा हो, है ना, कितना भी उजाला हो लाइट आपको पर्याप्त मिल जाती है, तो लाइट का इशू इस गाड़ी पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस पर आपको TFT स्क्रीन मिल जाती है सामने डिस्प्ले में, मतलब जैसे अभी दिन है तो ये अभी डार्क मोड में मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बनी आप चेक कर सकते हैं। तो अभी दिन है तो अपन को आँख में अच्छे से विजन क्लियर हो करके लाइट थीम मिलती है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वाइट वाइट जो रहती है, और जैसे शाम टाइम हो जाता है तो जैसे मोबाइल अपना डार्क मोड में करके अपन ब्लैक स्क्रीन कर लेते हैं तो वैसा भी यहाँ पे ब्राइट मोड दिन पे चलता है, और रात जैसे होती है अंधेरा होता है तो सेंसर ऑटोमेटिक कैच कर लेता है और फिर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तो आँख में छुपती भी नहीं है और सब कुछ क्लियर विजन दिख जाता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। चाबी बहुत खास चाबी रही यार इसकी, फ्लिप की है ना, नॉर्मल अपन को गाड़ियों में मिलती नहीं है ये, तो इसमें फ्लिप की जो रहती है तो लोग पूछते हैं भाई कार से आए हो, कार नहीं है भाई फ्लिप की रहती है ये। थोड़ी सी यहाँ पे कमी मेरे को ये लगी एक तो चाबी में, देखो यहाँ तो एक छोटा सा टॉर्च दिया है इसमें दिख रहा होगा आपको, तो वो सही है फ्लिप की में, लेकिन अपन देखेंगे 80-85 हज़ार की गाड़ी में भी वो लॉक अनलॉक वाला साउंड आ जाता है ना। तो सेफ्टी में अपन बात करें अपन तो सेफ्टी में इसमें ये सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी था कि जैसे हमने गाड़ी यहाँ पे खड़े करी, लॉक किया, अपनी गाड़ी को लॉक मार दिए है ना, और उत्ते पे कोई दूसरा बंदा अगर आता हो ज़बरदस्ती ये कहता है तो गाड़ी को अलार्म देना था। तो ये बेसिक चीज़ आप देखेंगे कि सस्ती सी ईवी जो स्कूटर है उनमें भी आता है, तो iQube में ये वाले फीचर्स क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे को गुस्सा वाला पॉइंट है यार कि आप देखेंगे, नाम ही ले देता हूँ मैं ऑप्टिमा है ना, इसमें क्या डरना क्या, अपन बुराई नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमा की चाबी आप देखेंगे कि वो लॉक अनलॉक वाला रहता है, जैसे कोई आके गाड़ी को छीता है तो वो सायरन देने लगती है। तो हीरो की 80-85 हज़ार की गाड़ी में जब आ सकती है तो TVS में भी ये सारे फीचर्स रहना था। और टर्न टू टर्न जो नेविगेशन जो बताते हैं वो सब बताते बस हैं कि क्या, मेरे को तो
कहीं भी स्क्रीन पे टर्न टू टर्न नेविगेशन तो दिया ही नहीं है। मेरे को लगता है ये चीज आप क्लियर कर लेना, अगर आप आई क्यूब ले रहे हैं तो आई क्यूब और आई क्यूब एस को कंपेयर कर लेना यार, ठीक है। ये उस टाइम अवेलेबल थी नहीं एस, नहीं तो मैं एस लेता, 7-8 हज़ार महंगी है। लेकिन इस पे ना आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन तो मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिले हैं कि अपनी गाड़ी चल रही है और टर्न टू टर्न नेविगेशन मोड या मैप वगैरह चला लें, तो ये थोड़ा सा होना रहा। और जैसा ओला में रहता है कि अपन डीएल हो गया, इंश्योरेंस पेपर हो गए और आरसी, ये तीन चीज़ों को स्टोर कर सकें ताकि पुलिस वुलिस आए तो अपन यहीं पर डिजिटली दिखा दें, तो वो भी नहीं है। तो ये रहना रहा। और म्यूज़िक क्या बोल दें, ओला में है म्यूज़िक, इस पर नहीं है, तो म्यूज़िक का तो इतना खैर ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रही बेसिक, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। तो ये थोड़ी सी कमियां रहीं, बाकी गाड़ी बहुत ही शानदार गाड़ी है, अल्टीमेट गाड़ी है। ऐसा मैं कोई बेसिक मेरे को कोई बड़ा इशू देखने को नहीं मिला इन 3000 किलोमीटर में अभी तक, ना गाड़ी पंचर भी नहीं हुई है, ना हवा हम बीच में एक दो बार डलवा लिए हैं और सब कुछ सही शॉट रहा। गाड़ी में ऐसा कोई खास इशू देखने को नहीं मिला है। एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया रहा यार भैया, मतलब पिछली वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने बोला रहा आई क्यूब लेने से पहले देख लेना, थोड़ी सी मैंने गाड़ी की बुराई बता दी रही। तो बंदे ने मेरे को कमेंट क्या किया कि भाई को चाहिए ओला के फीचर्स, टीवीएस की बिल्ड क्वालिटी और एथर कर लो। तो यार ऐसा नहीं है, ठीक है फीचर्स कम है लेकिन सफिशियंट है। और यार फ़ोन कनेक्ट करके कौन गाड़ी चलाता है यार, सबके हाथ में घड़ियाँ मिल जाती है। ये तो ऐसा है कि जैसे हम गाय बैल को बांध के रखते हैं ना, वैसा नेक बैंड ने आज की डेट में हमें बांध लिया है, सबके पास ये डला ही रहता है। तो भाई कॉल मैसेज अलर्ट मैंने आज तक कनेक्ट करके ही नहीं चलाया सच मानो तो। आप कहोगे तो मैं एक आध दिन ट्राई लेके देख लेंगे कि कैसा क्या कनेक्ट हो जाता है। बाकी ओवरऑल मेरे को सामने का भी स्पेस पर्याप्त लगा, बूट स्पेस भी लगा। चार्जिंग जो टाइम लगता है चार्जिंग में 4 से 5 घंटे है ना, तो अगर गाड़ी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको ज़्यादा चार्ज टाइम लगेगा, लेकिन गाड़ी अगर पूरी चार्ज नहीं हुई है आपकी है ना, मतलब 50% है तो फिर 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। 0% हो जाती है, 5-10% बचा रहता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको वेट करना पड़ेगा चार्जिंग को लेके। दो सबसे जो रिव्यू में अगर मैं आपको देना चाहूँगा इस पर चलने में, तो देखो ऑन टू रोड, ऑन रोड या ऑफ रोड हो, सब जगह ये अच्छी चलती है गाड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे कभी कभी दिक्कत कहाँ सामना करना पड़ता है लोग, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये रैंप है, ठीक है ये रैंप है, रैंप पे मैं अपनी गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। अब जैसे रैंप पे मैं अपनी गाड़ी चढ़ाता हूँ और मान लो मेरी गाड़ी रुक गई वहाँ पर, तो वो एक्सीलेटर टोटल जीरो हो जाता है, मोटर में ऐसे कट्टे से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि मतलब मोटर छोड़ दी है और फिर पीछे से ले रहा है, फिर रेस ले रहा है। तो इसमें थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है, वो जो बेल्ट वाला जो सीन रहता है ना, वो ज़्यादा बेटर होना अच्छा इसमें, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपको डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जैसे हम लोग ऑफ रोड पे जाते हैं या गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही होते ही ना, जैसे कहीं फंस गई है गाड़ी और फिर अपन ले रहे हैं एक्सीलेटर, तो वहाँ मोटर पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है यार है ना। जैसे अगर एक्सीलेटर अपन ने कम कर दिया छोड़ दिया तो अपन को फिर से जीरो से ही एक्सीलेटर लेना पड़ता है। तो ये मोस्टली सारी ईवीज़ में रहता है, बाकी तो कई तो ईवी ऐसी आती है कि जिसमें आप ब्रेक मारते हो तो फिर एक्सीलेटर का कनेक्शन छोड़ जाता है, तो वहाँ ब्रेकर एरेकर पे या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में वैसी गाड़ी में तो बहुत सारी दिक्कत है, इसमें वैसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप TVS iQube लेना चाहते हैं, ठीक है 1,40,000 के सेगमेंट में ये गाड़ी है, इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दूसरी कंपनियों में नहीं मिलेंगी। पावर भी अच्छा है, किलोमीटर रनिंग भी अच्छी है, वन चार्ज में 100 किलोमीटर इकोनॉमी मोड में दे देती है, सब कुछ अच्छा है। और वक्त के साथ साथ जो भाई टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे अपग्रेड होगी, ईवी अभी अभी आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।